हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीर हैदर और आप देख रहे हैं मनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। भाई साहब, बाबर आजम एक ब्रांड है और ये बात तब तक चलती रहेगी, तब तक ये बात होती रहेगी जब तक लोग बिलीव नहीं कर लेंगे। और बिलीव लोगों को इसलिए करवाने की कोशिश की जाती है कि चलें भाई, आप अगर किसी को नहीं मानते कि वो अच्छा खिलाड़ी है, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विराट कोहली है, पाकिस्तानियों का हक बनता है उसकी रिस्पेक्ट करें एज ए क्रिकेटर, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रोहित शर्मा की करो, जडेजा की करो, भाई साहब जिसकी भी रिस्पेक्ट है, मतलब कि कोई आम पर्सन भी है तो उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट आपको करना आपका हक बनता है। लेकिन पाकिस्तानी सहाफी यहां पर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफी अपनी ही क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बदनाम कर रहे हैं, अपनी ही क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के खिलाफ प्रोपोगेंडेज बनाते हैं और अपनी ही क्रिकेट टीम के खिलाफ उठकर बातें करते हैं। लेकिन एक लड़की ने बाबर आजम की पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा कर दिया है कि बाबर आजम के नाम पर उस लड़की ने खुद को भी पॉपुलर कर लिया है, लेकिन उस लड़की को रिस्पेक्ट इतनी दी गई है, इतनी रिस्पेक्ट दी गई है कि उस लड़की से पूछा जा सकता है कि बाबर आजम तुम्हारे लिए क्या है, और उस लड़की के साथ जिस तरह से बिहेव किया गया है उससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बाबर आजम क्या है। बाबर आजम एक ब्रांड है और ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। एक लड़की जो कि बांग्लादेश में मौजूद थी, मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि बाबर आजम से सिग्नेचर करवाने के बाद एक लड़की का रिएक्शन आप चेक कर सकते थे कि उस लड़की ने कितना जबरदस्त रिएक्ट किया, और उसके लिए ऐसा था कि जैसे पता नहीं पूरी दुनिया उसके आगे झुक गई। उस लड़की के लिए वो जस्ट बाबर आजम का एक सिग्नेचर ऐसा था, एक ऑटोग्राफ ऐसा था कि जिसके बाद उसने ये फील किया कि शायद उसके लिए पूरी दुनिया की तमाम खुशियां उसके आगे आ गई। लेकिन एक और लड़की जिसको बाबर आजम ने ऑटोग्राफ दिया और उस लड़की के आगे माइक्स की इतनी ज्यादा तादाद मौजूद थी, लोग उससे थॉट्स पूछने के लिए, लोग उससे कमेंट्स लेने के लिए बाबर आजम से रिलेटेड इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर आ गए थे कि जितने भी पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, जितने भी पाकिस्तानी जो बाबर आजम के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बोलने वाले हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं भाई साहब सहाफी वो अच्छे हैं, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले हैं उन सब के मुंह पर एक इतना जोर का तमांचा पड़ा है ना कि भाई साहब वो सारी जिंदगी शायद होश के नाखून नहीं ले पाएंगे। अगर उनमें जरा सी भी शर्म होना तो इस चीज को देखने के बाद उनको डूब के मर जाना चाहिए। भाई साहब, एक आम किस्म की लड़की, बिल्कुल एक आम किस्म की लड़की जिसको बाबर आजम ने ऑटोग्राफ दिया है, उसके आगे माइक्स की इतनी तादाद थी कि मैंने आज तक किसी भी सहाफी के आगे शायद इतने ज्यादा माइक्स नहीं देखे होंगे कि उनसे पूछने के लिए मौजूद हों लोग के भाई साहब बाबर आजम के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे। उस लड़की से इतने ज्यादा पूछने वाले वहां पर आए हुए थे कि बाबर आजम के मुतालिक अपनी थाट्स बताएं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं कि उस लड़की के आगे इतने माइक्स उसके आगे लगे हुए थे। उस लड़की से पूछो कि बाबर की वैल्यू क्या है, उन बांग्लादेश वालों से पूछो कि बाबर की वैल्यू क्या है, कि जिन्होंने बाबर आजम के आने से, जब बाबर आजम बांग्लादेश में पहुंचा तो बाबर आजम के आने से बांग्लादेश में इतनी ज्यादा खुशियां फैल गई कि जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि जैसे उनके अपने कंट्री का कोई हीरो आ गया हो, जैसे उनका कोई हीरो वहां पर पहुंच गया हो, ऐसे बाबर आजम की रिस्पेक्ट की उन्होंने। हत्ता के जिस टीम में रंगपुर में बाबर आजम खेल रहे हैं उनके कप्तान ने बाबर आजम को किंग भी बोला कि भाई किंग बाबर इज बैक। और फिर क्राउड का आप जश्न, क्राउड का जोशो खरोश आप देख सकते हैं कि बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, सिक्स हिटर भी नहीं है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबर आजम वो प्लेयर नहीं है कि जो आते ही बाउंड्री लाइन से बाहर गेंदे पहुंचा रहा है। बाबर आजम कोई रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम कोई फखर जमान नहीं है, बाबर आजम कोई साई मयूब नहीं है, बाबर आजम शेखर धवन नहीं है, भाई बाबर आजम ही है। वो खिलाड़ी रोहित शर्मा टाइप प्लेयर्स, डेविड वार्नर टाइप प्लेयर्स जो आते हैं, आते ही बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकते हैं, छः छः रन के लिए लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, उनके लिए भी कभी इतनी ज़्यादा हमने जोशो खरोश नहीं देखा, उनके भी इतने इतने फैंस हमने नहीं देखे जितने फैन बाबर आजम के। और बाबर आजम एक क्लासिकल प्लेयर है, वो सिर्फ कवर ड्राइव्स लगाता है और उसके कवर ड्राइव्स के शौकीन इतने हैं इस दुनिया में, इतने उसके कवर ड्राइव्स के शौकीन हैं कि मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और 3 साल पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक लॉरेन फेलर क्या नाम था उसका, ऑस्ट्रेलियन सहाफी थी, वो कह रही थी कि मैं जस्ट बाबर आजम के कवर ड्राइव्स को देखने के लिए पाकिस्तान में आई हूँ, सिर्फ बाबर आजम के कवर ड्राइव्स को देखने के लिए, उनको कवर करने के लिए
वो वहां से पाकिस्तान आई हुई थी। ये होता है किसी भी प्लेयर की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करनी उनसे सीखे ना यार, जो रिस्पेक्ट करते हैं उनसे पूछो कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। आपने तो जस्ट यहां पर बैठकर बोलना है बाबर आजम ये है बाबर, भाई बाबर आजम जैसा प्लेयर तुम लोगों ने कभी जिंदगी में देखा हो तो तुम्हें उसकी कदर हो ना कि बाबर आजम क्या है। बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में से मुझे निकाल के दिखा दो कि जो बाबर आजम की तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आया हो। ये बाबर आजम पाकिस्तान की आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेयर है। पूरी दुनिया में इसकी रिस्पेक्ट की जाती है और यहां पर बैठकर बस सिर्फ बातें, बाबर आजम कुछ नहीं है। बाबर आजम भाई अपना मुंह तो जरा आईने में जाकर देख लो कि बाबर आजम क्या है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बाबर आजम क्या चीज है। अगर तुम जरा अपने अंदर को झिंझोड़ के देखोगे ना, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि बाबर आजम क्या चीज है। तुम तो सिर्फ बातें करते हो सिर्फ और व्यूज की खातिर, सिर्फ व्यूज की खातिर कि हम बाबर के अगेंस्ट बोलेंगे, हमें इंडिया से व्यूज मिल जाएंगे, हमें इंडिया से व्यूज आ जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला जाता है। हालांकि इंडिया में भी बाबर आजम के लाखों करोड़ों की तादाद में फैंस हैं। बाबर को बहुत रिस्पेक्ट दी थी इंडियंस ने भी जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम इंडिया में गई थी। तो भाई रिस्पेक्ट करते हैं जो करने वाले हैं, जिनको करनी ही नहीं है रिस्पेक्ट तो चाहे शायद वो अपने बाप की भी ना करें रिस्पेक्ट। फिर